हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्स टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस के बारे में चाहिए, अभी कंपनी को क्या अपडेट करना चाहिए और आपको खरीदने चाहिए कि नहीं चाहिए ये बाइक, और इसकी प्राइस, माइलेज, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस, बने रहिए आप इस वीडियो में एंड तक, और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो क्या करना, आपको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर दें। तो गाइस, यहाँ पे हो चुकी है एकदम वीडियो शुरू, और इसका आपको फर्स्ट लुक आपको दिखाते हैं। इसका कुछ ऐसा फर्स्ट लुक है भाई, हीरो ने भाई एकदम कमाल कर दिया है कि इस साल भाई सब इस प्राइस रेंज में अपनी गाड़ी भाई अपडेट्स, मोटे मोटे अपडेट्स हैं वो यार 100cc में चेंज कर दिए हैं, जो कि बहुत महंगी गाड़ियों में आते हैं। तो गाइस, इसका जो मेन हाईलाइट यार फीचर्स है, जो कि फुली डिजिटल मीटर आ गया भाई इसके अंदर। तो गाइस, और इसमें LED DRLV लाइट आ गई है बाइजर पे, और ये कुछ मोटे मोटे अपडेट्स हैं भाई इसके, जो कि अब बात करते हैं कि देखो, LED DRL लाइट तो इसमें आ चुकी है स्प्लेंडर प्लस एक्स टेक ब्रांड में, जो कि इसमें एक प्रॉब्लम से यार ये है कि आप जब भी आप चाबी ऑन करते हैं तो आपकी LED DRL लाइट नहीं जलती है, जब आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो आपकी हैलोजन हेडलैम्प और LED DRL चालू हो जाएगी, जो कि दोनों एक साथ जलती है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता भाई। या तो आपको चाबी पे LED DRL देनी चाहिए थी और हेडलाइट का अलग से स्विच देना चाहिए था, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता शायद। उम्मीद है ये आगे अपडेट में जब हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्स टेक 2.0 आएगी तो इसमें अपडेट देखने को ये मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है भाई, और होना भी चाहिए। गाइज, इसकी जो बात करते हैं यार, इसकी ग्राफिक्स की, इसमें 3D ग्राफिक्स आ चुकी है, जो कि अब तक यार जो इस महंगी महंगी गाड़ियों में उसमें ग्राफिक्स आती थी, जो कि भाई इस प्राइस रेंज में हीरो ने कमाल किया यार, मैं तो फिदा हो गया। जो कि इसकी ग्राफिक्स बहुत सारे कलर्स में आ चुकी है, 3D कंपनीज में हीरो की ब्रांडिंग यार, एकदम लुक इसका एकदम अजीब, मतलब एकदम कमाल का लुक बना दिया है इसमें। और इसकी जो सबसे पहले प्राइस की हम बात करते हैं, तो प्राइस की है भाई 90,000 रुपये ऑन रोड प्राइस से, एज अ स्टेट डिपेंड करता है, हमारे यहाँ 90,000 है, किसी के यहाँ 92,000 भी हो सकती है भाई, किसी के कम भी हो सकती है, तो आप एग्जैक्ट जो प्राइस है इसकी वो एजेंसी पे ही आप जाके पता कर सकते हैं। तो मोटा मोटा मान के चलिए 90,000 इसकी प्राइस है, लेकिन और ये 100cc की बाइक है, तो इसमें कमाल का फीचर से ये फुली डिजिटल मीटर इसमें अंदर है। इस फुली डिजिटल मीटर में हमें क्या मिल जाता है भाई, पहले तो इसका फुली डिजिटल मीटर का पूरा लुक एकदम यार गजब बना दिया, क्रोम फिनिश की यार यहाँ पे दी गई है साइड से, और इसमें भाई सारे फंक्शंस हमें मिल जाते हैं, मैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आप अपने मोबाइल को कनेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें सारे आपके कॉल मैसेज सब कुछ शो करेगा, इंडिकेट करेगा आपका रियल टाइम माइलेज, और सारे फंक्शन इसमें मिल जाते हैं। सिर्फ एक कमी है, जो कि मुझे पर्सनली हीरो की कंपनी से है कंप्लेंट भाई, इसमें डिजिटल क्लॉक यार नहीं दी, ये डिजिटल क्लॉक देनी चाहिए थी इसमें, डिजिटल क्लॉक शायद ये भी 2.0 में अपडेट हो जाए डिजिटल क्लॉक भाई, तो ये एक कमी लगती है। और इसकी जो डिजिटल मीटर की भाई जो लाइट है यार, जो ऑरेंज कलर की लाइट है, इसको अगर आप भाई कलरफुल बना देते, जैसे कि TVS रेडियन में कलरफुल लाइट आती है फुली डिजिटल मीटर, वो एक अलग लगती है, तो भाई वो थोड़ा और इफेक्ट डाल दे, तो शायद ये भी आपको 2.0 में देखने को मिल जाए। और साइड में एक फीचर इसमें ऐड हुआ है, जो कि आप USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दे दिया है, तो आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं बाद, बाकी आपका यहाँ पे हैंडल बार पे कोई अपडेट नहीं है, सारे फंक्शंस वही आ रहे हैं पहले जैसे। टैंक पे आपका भाई वही है, 3D ग्राफिक्स दी गई है, चेंज किया गया, सीट इसकी चेंज की गई है, सीट काफ़ी कम्फर्ट बना दिया गया भाई यहाँ पे, और 100cc का इंजन है यहाँ पे, और तो भाई हमारा सैड कट ऑफ इंजन का सेंसर मिल ही जाता है हमें नीचे। और इसमें एक बड़ा चेंजमेंट किया, जो कि आगे मीटर चेन आती थी जो आगे फ्रंट टायर पे, वो भाई हटा के अब हीरो ने अपने इंजन में डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर दी, तो ये बहुत अच्छा कमाल किया है। अगर आपकी फ्रंट पे आपकी मीटर चेन रहती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन आपकी सीधे इंजन से कनेक्टेड है तो आपकी जल्दी ख़राब नहीं होने वाली, तो ये भाई चेंजमेंट किया गया है। बाद बाकी आपकी यहाँ पर भाई पीछे का लुक में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, वही सेम लुक है। तो इसकी ग्राफिक्स, मीटर और आपकी LED DRL और एक्सटेक की ब्रांडिंग, बस इतने सारे फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, जो कि इसकी प्राइस भाई हो चुकी है 90,000 रुपये। और इसमें अपडेट करने की क्या ज़रूरत थी, शायद मुझे देखने को मिल सकता है अगले अपडेट में। इसके भाई जो पीछे का हैंड, मतलब कैरियल है, जो कि क्रोम फिनिश में दे रहा है हीरो, काफ़ी साल पुराना यार आ रहा है इसमें, देखो इसको भी यार थोड़ी अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे भाई ब्लैक कलर का सिंगल अगर दे दिया जाता तो एक स्पोर्ट्सी लुक और एक अलग गाड़ी बन जाती, यूनिक शायद ये चेंज हो जाए भाई,
और इसकी टेल लैंप वगैरह वही सारी चीज़ें आ रहे हैं। और इसके जो इंडिकेटर हैं पहले भाई इसके आपके रेड कलर के कैप के साथ आते थे, वाइट कलर के कैप के साथ आ रहे हैं भाई, तो ये एक अच्छी बात है भाई, फ्लेक्सीबल इंडिकेटर आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये मोटी मोटी चीज़ें देखी जाएँ तो ये कुछ अपडेट किया, अच्छा काम किया हीरो ने, जो कि अब तक कोई 100cc की गाड़ी जो बाइक आ रही है, एक TVS रेडियन में पुलिस डिजिटल मीटर आ रहा है, क्रोम फिनिश में ज़्यादा यूज किया गया, बाद में कि आपकी प्लेटिनम कोई नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हीरो ने एक अलग अपना बना दिया पैकेज, काफ़ी अच्छी मार्केट में है भाई। और मैं बात करता हूँ आपको ख़रीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए इस बाइक को भाई। देखो गाइस, मैं अगर बात करता हूँ, अगर आपको बजट है आपका 90,000 रुपये और आप एक अच्छे फ्यूचर्स के साथ जीना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, तो आप हीरो स्प्लेंडर प्लस एशटेक आप ले सकते हैं। बहुत से लोगों को अभी तक नहीं पता वो कि हीरो की स्प्लेंडर प्लस क्लासिक वाली ले रहे हैं, जो कि उसकी भी प्राइस 86 से 88 हज़ार, 2-3 हज़ार रुपये के भाई इसका बढ़ के आया अंतर है, लेकिन पुरानी वाली लेने, देखो भाई उसको पुरानी वाली लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बताऊँ, उसमें कोई फ़ीचर्स नहीं मिलता, एनालॉग मीटर मिलता है, तो आप 2-3 हज़ार रुपये डालिए और इसके नए फीचर्स का आनंद लीजिए, फुली डिजिटल मीटर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, गाड़ी इंजन वही है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा लुक अलग कर दिया गया। तो भाई मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप क्लासिक लेने की सोच रहे हैं प्लस, तो आप एक्सटेक को ज़रूर देखिएगा एक बार, इसके जो कलर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, यूनिक्स और इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आप थोड़े दिन रुक के लेना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं इसके 2.0 का आने का भाई, उसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट होके आएगी गाड़ी, तो आप देख सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। बाद बाकी आपकी रेंज में भाई देखो प्लेटिना बजाज की भी आती है, 110 100cc भी आती है, TVS की रेडियन भी आती है, तो कुछ गाड़ियाँ हैं भाई, लेकिन मैं इन सब गाड़ियों से सजेस्ट करूंगा। अगर आप हाँ इसका माइलेज की बात करते हो, इसका माइलेज भाई आपका है 60+ माइलेज है इसका, तो आप देख सकते हैं, लेकिन माइलेज के अगर आप सोच के ले रहे हैं तो आप फिर प्लेटिना बजाज पे जा सकते हैं, क्योंकि माइलेज तो भाई बजाज का ही बढ़िया है, मैं इसकी नहीं कह सकता। अगर आप रीसेलिंग वैल्यू लॉन्ग टर्म बाइक चाहिए आपको तो हीरो पे आप जा सकते हैं। और फिर ये कुछ ऐसा अपनी अपनी सबकी चॉइस है भाई। और मैं आखिरी एंड करूँगा कि अगर आपको देखो, अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं प्लेटिना 100 ले लूं, तो प्लेटिना की भी भाई 75,000 रुपये प्राइस हो चुकी है, तो आप थोड़ा अपडेटेड गाड़ी चाहिए तो आप स्प्लेंडर प्लस एशटेक पर जा सकते हैं और देख सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं। तो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ इसमें हमने बताया कि भाई हीरो को ये कमियाँ हैं थोड़ी अपडेट कर देनी चाहिए, बाद में कि सब कुछ बढ़िया गाड़ी है, एकदम परफेक्ट गाड़ी है, आप चेक करिए, विजिट करिए एजेंसी बजा के। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको नीचे बताना कमेंट्स में, वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो क्या करना, आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो गाइस जल्दी मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।